क्षेत्र के रितुडी में 6 सितंबर को देर रात हुई व्यवसायी हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आकाश कुमार नामक पेशेवर अपराधी गिरफ्तार किया गया, जिसने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। देखते हैं क्या कहते हैं बोकारो SP चंदन कुमार झा। वो रात में लगभग 8 बजे माराफारी थाना क्षेत्र में रितुडी एक मार्केट है, जहां पे कि गुप्ता स्टोर नामक दुकान में गोली चलने की घटना हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक राजू गुप्ता नाम के जो दुकानदार थे, दुकान मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके भाई सुरेश गुप्ता थे जो गंभीर हुए थे, काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसमें हम लोगों ने रांची SSP से और बाकी लोगों से टाई अप करके उनको टाइमली मेडिकल से कराया और उनकी जान अच्छे से उसमें बच सके। उसमें ये हमारे लिए भी, बोकारो पुलिस के लिए, एक बड़ी घटना थी जिसमें हम लोग पिछले 15 दिनों से लगे हुए थे। DSP सिटी के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई थी, जिसमें कौन कौन अभियुक्त, कौन कौन दोषी हैं उनको पहचान करने के लिए। सारे क्रिमिनल्स को खंगालने के बाद हम लोग को एक सूचना मिली कि एक भानु मांझी करके एक अपराधी है, जो बोकारो से भी जिसका लिंक है और जमशेदपुर से भी है। जमशेदपुर में भी वो जेल में जा चुका है कई केसेस में और अभी वो जेल से बाहर है। उसकी इस घटना में संलिप्तता की सूचना मिली थी। उसके बाद एक टीम हम लोग पिछले करीब 7-8 दिन से परमानेंटली जमशेदपुर और उसके आसपास कैंप कराए हुए थे, जिसमें 2-3 बार DSP City को भी हमने भेजा था कि भानु मांझी की गिरफ्तारी के लिए। वो कभी जमशेदपुर, कभी सरायकेला, कभी चाईबासा, जगह बदल रहा था, क्योंकि उसको भी जानकारी थी कि बोकारो और जमशेदपुर की भी पुलिस उसके पीछे है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में शायद 1-2 घटना फायरिंग की ही घटना जमशेदपुर में भी की गई है उसके द्वारा। उसमें फाइनली जमशेदपुर पुलिस को उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन मिला और उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई भानु मांझी की। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद उसने पूरा जो बोकारो में जो अपराध किया है उसने, और पूरा सीक्वेंस उसने एस्टेब्लिश किया कि कैसे उसको बात किया। एक राजीव राम का अपराधी है जिससे उसकी बात हुई, जिसने उसको बोला था कि तुमको बोकारो में शहनवाज करके कोई दूसरा अपराधी है, वो तुमको कुछ काम बताएगा जो काम तुमको करना है। उसके बाद फिर भानु मांझी अपने एक साथी के साथ, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, उसको लेके भानु मांझी और वो अपराधी जमशेदपुर से आ गए बोकारो इस कांड को अंजाम देने के लिए। इसका नाम आकाश है। ये दोनों आए, फिर यहाँ पे इनकी पहचान, इनको शहनवाज और उसका एक साथी आमिर, वो दोनों और ये दोनों, ये चारों मिले और प्लानिंग की गई कि इस दुकान में लूटपाट के कारण से ही पहले, जो कि 1-1.5 लाख रुपए मिल सकता है, उनको ये अंदाजा था यहाँ पे लूटपाट की जाएगी और फिर अगर दिक्कत होगी तो हम लोग फायरिंग करेंगे या हम लोग मर्डर करेंगे। उसी में 3 लोग थे जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिन्होंने क्राइम को किया है। एक जो भानु मांझी अभी जमशेदपुर जेल में है, नंबर 2 आकाश जो अभी हमारे यहाँ से जेल में जा रहा है, और 3रा आमिर, जिसको 5-6 दिन पहले हम लोगों ने दूसरे एक केस में ऑलरेडी जेल भेजा है। तो ये 3 लोग हैं जो वहाँ पे उपस्थित थे, और जो सारा प्लानिंग और जो क्राइम करने में जगह दिखाना और वहीं से थोड़े दूर ही, पीओ से थोड़ी दूर ही उपस्थिति थी शहनवाज की। तो ये 4 लोग हुए जो इसमें इन्वॉल्व हुए। एक राजीव राम का आ रहा है नाम, जो कि जमशेदपुर का पुराना अपराधी है और जिसने शहनवाज से भानु मांझी की दोस्ती कराई या बातचीत कराई और उसके बाद ये अपराध हो पाया है। इस तरह टोटल इसमें 5 अपराधकर्मी है। राजीव राम जो अभी रांची जेल में है, शहनवाज जो अभी बोकारो जेल में है, भानु मांझी जो जमशेदपुर जेल में है, आकाश सिंह जिसको अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आमिर अंसारी जो बोकारो जेल में है। हत्या किन कारणों से की गई? हत्या कारण कोई इनिमिटी या कोई पुराना विवाद ऐसा सामने नहीं आया है। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें यही आया है कि प्रथम दृष्टया इनको पैसे की जरूरत थी या लूटपाट मंशा थी, लेकिन ये क्लियर था कि अगर उसमें कोई दिक्कत हुई, कोई रेसिस्टेंस हुआ तो हम लोग फायरिंग करेंगे, जो इनका कहना है। इसमें उसी दिन हम लोग को जो घटनास्थल से बरामद हुआ था, आप लोग को जानकारी भी होगी, 2 वेपन मिला था, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल मिला था, 3 इसमें खोखा मिला था और 3 जो है लाइव राउंड मिला था। एक बैग मिला था, उस बैग को भी कन्फेस किया
ये पैसा लूटने के बाद पैसा को रखने में किया जा सकता है। इस तरह टोटल अभी तक जो 5 लोगों का नाम आया है सभी की गिरफ्तारी हो गई है, 2 को ऑलरेडी बोकारो पुलिस द्वारा किया गया है और एक ये तीसरा है। हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि जो रांची में या जमशेदपुर जेल में है उसको रिमांड पे लेके और जितनी संभव हो सके जल्दी से जल्दी हम लोग, चूंकि काफ़ी इस पे बोकारो पुलिस और जमशेदपुर पुलिस का भी बहुत सपोर्ट मिला है, हम लोग को बहुत मेहनत किया गया है टेक्निकली, तो हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी ही ट्रायल करके इनको सजा दिला सके। जैसा सर आपने बताया कि जो राजीव नाम का व्यक्ति है उसने शाहनवाज को बोला कि वहां बोकारो जाने के बाद काम तुमको जो दिया जाए हत्या का, नहीं राजीव राम ने शाहनवाज को नहीं कहा, राजीव राम ने भानु माझी को कहा कि तुम जाओ बोकारो, तुमको शाहनवाज एक काम देगा वो तुमको करना होगा, और वह इसी कारण से भानु जमशेदपुर से बोकारो आया, शाहनवाज से मिला और ये काम उसको बताया गया कि इसमें पैसा भी मिल जाएगा, चूंकि दुकान आपने ध्यान दिया होगा ये घटना दुकान बंद होने के समय की है, जब तक उस दिन